मैं हूं जावेद राव और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमन फूड सीक्रेट। दोस्तों आज हम बनाने लगे हैं वाइट चिकन कढ़ाई, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे आइए आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमने लिए है कढ़ाई और इसमें 1 किलो चिकन लिया है हमने, ठीक है। इसको धो लिया है, साफ़ कर लिया है और इसकी छोटी छोटी आपने नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ बनवानी है इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, अब हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के छोटे साइज़ के प्याज, अगर बड़ा साइज़ का हो प्याज तो 1 ले लें, वो इस तरीके से रफली चॉप करके कटिंग करके वो इसमें शामिल करना है। और 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट, अदरक इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट वो ऐड करेंगे। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच नमक वो शामिल करेंगे, ठीक है। और 1 गिलास हम इसमें यानी कि 250 ml पानी शामिल करेंगे, ठीक है। इसको मतलब है मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ये देखें, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर और चूल्हे पर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये 5 से 7 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि प्याज गल जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये प्याज देखें इसकी जो है तकरीबन गल चुकी है, ये देखें। अब हम इसमें 1/2 kg इसमें हम दही ऐड करेंगे, ये देखें, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ये देखें। और इसको हम ढककर पकने देंगे, तकरीबन 7-8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ये देखें, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। ये दही और इसका ये जो पानी है इसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। ये हमने लिया है वाइट पेपर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये हमने लिया है धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, वो इसमें जाएगा। और ये हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ वो इसमें शामिल किया है। और ये हमने ली है काली मिर्च, ठीक है, ये 1/4 चाय का चम्मच। काली मिर्च हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि उससे थोड़ा सा मतलब है रंगत में फ़र्क आ जाता है, ये देखें। ये अब आप इसको पकने दें, ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें, और अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच बड़ा वो हम इसमें कुकिंग ऑयल वो डालेंगे इसमें, ये देखें। और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मक्खन भी शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वैसे तो लोग क्रीम भी डालते हैं, अगर आप क्रीम भी डालना चाहें तो 100 ml क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, ये देखें। ये अब हम 4 अदद सब्ज़ मिर्चें उनको हमने काट ली है वो इसमें शामिल की है, और थोड़ी सी हम ये अदरक, ये इस वक्त हम अदरक शामिल कर रहे हैं, ठीक है, अदरक को बारीक बारीक काट लिया हमने, ये देखें,
अब थोड़ा फ्लेम को आप तेज़ कर लें, ठीक है। ये पानी हमने रिमूव करना था, वो ये देखें कि माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी शेप आ गई है। हमने ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखी, ठीक है। ये माशाल्लाह ये देखें, अब हम इसमें ये अदरक कटी हुई थोड़ी सी गार्निश के लिए इसमें ये डालेंगे, और हाफ आप लेमन जो है उसको काट के उसके पीसीस जो है वो इसमें आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया वो शामिल करेंगे, ठीक है। और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे बिल्कुल जो है 1 से 2 मिनट आप इसको ढककर पकने दें। 2 मिनट के बाद आप ये देखें ये तेल छोड़ दिया इसने, और अब आप इसमें 2 चुटकी गरम मसाले की छिड़क लें, ठीक है। और चूल्हे का जो फ्लेम है उसको आप बंद कर दें। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायका आया है इसका, ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।